हेलो दोस्तों, की हाल चाल है। दोस्तों आज की वीडियो में लेकर आए आपके लिए जीके का इम्पोर्टेंट टेस्ट। एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए आज का वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा आप सभी की तैयारी कैसी है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम राम है, आप देख रहे हैं जी स्टडी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। दोस्तों आपको टेस्ट का रूल बता दें, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद 3 या 4 सेकंड दिए जाएंगे उत्तर पता करने के लिए। प्लीज़ अपना नीचे स्कोर जरूर बता के जाना आपके कितने उत्तर राइट हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी। आपको मिलते हैं 3 या 4 सेकंड। जी आपने लगाया है ऑप्शन नंबर 3, आपका बिल्कुल राइट है। 19 नवंबर 2013 में हुई थी भारतीय महिला बैंक की स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो नोट कर लेना आप सभी। आगे देखते हैं हम, राज्य के निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक वन है। आपको दिए जाते हैं 3 या 4 सेकंड। आपने लगाया ऑप्शन नंबर 2, आपका बिल्कुल राइट है। सरगुजा जिले में सर्वाधिक वन है। आगे देखते हैं हम, कौन सी कोयले की खान नहीं है। आपको दिए जाते हैं 3 या 4 सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी आपने लगाया ऑप्शन नंबर 1, आपका बिल्कुल राइट है। अकलतरा कोयले की खान नहीं है, गेवरा, चिरीमिरी और कोरबा तीन ही कोयले की खान है, नोट कर लेना आप सभी। आगे देखते हैं हम, विश्व के बढ़ते तापक्रम ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस अधिक जिम्मेदार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जी आपने लगाया ऑप्शन नंबर 1, आपका बिल्कुल राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड। विश्व के बढ़ते तापक्रम ग्लोबल वार्मिंग के लिए अधिक जिम्मेदार है गैस। आगे देखते हैं हम, वह शहर जहाँ सबसे कम आबादी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इजी क्वेश्चन है, सबको इसका उत्तर पता होना चाहिए। जी आपने लगाया ऑप्शन नंबर 3, आपका बिल्कुल राइट है, वेटिंगन सिटी, जहां दोस्तों कम आबादी पाई जाती है, नोट कर लेना, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आगे देखते हैं हम, किस स्थान को उत्तराखंड के पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, सबको इसका उत्तर पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मसूरी है दोस्तों। उत्तराखंड के पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है मसूरी को, इसे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक है। बेहद इजी क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको दिए जाते हैं 3 या 4 सेकंड। जी आपने लगाया ऑप्शन नंबर 1, आपका बिल्कुल राइट है, यूरिया है दोस्तों। अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक यूरिया है। आगे देखते हैं हम, बैंक ऑफ बिहार व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विलय कब हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, बेहद इजी क्वेश्चन है, आपको दिए जाते हैं 3 या 4 सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1969 में हुआ था, बैंक ऑफ बिहार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ था। दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विलय कब हुआ था, 1969 में, और आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बैंक ऑफ बिहार का विलय हुआ था 1969 में। दोस्तों दोनों बैंकों का विलय 1969 में हुआ था, इनको डेट को याद कर लेना। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना आप सभी। आगे देखते हैं हम, सबसे बड़ा प्राकृतिक राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको दिए जाते हैं 3 या 4 सेकंड। जी आपने लगाया ऑप्शन नंबर 1, आपका बिल्कुल राइट है, मुंबई महाराष्ट्र है, सबसे बड़ा प्राकृतिक राष्ट्रीय बंदरगाह है। आगे देखते हैं हम, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का निर्माण किसने करवाया था। आपको दी जाते हैं 3 या 4 सेकंड और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जी आपने लगाया ऑप्शन नंबर 1, आपका बिल्कुल राइट है, ब्रिटिश सरकार ने कराया था दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का निर्माण। दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके वाई ग्रुप एग्जाम में पूछा गया, तो इसे याद कर लेना आप। दोस्तों आज हमने आपको जीके के टॉप 10 क्वेश्चन कराए हैं, अब आपको बताना है नीचे कमेंट में आप सभी के 10 में से कितने उत्तर राइट हैं। अपना इसको नीचे कमेंट में जरूर दे के जाएँ आप सभी के कितने उत्तर आए हैं। 10 में से 8 आते हैं तो आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी है आप सभी की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप सभी, आपके लिए हम डेली वीडियो ला रहे हैं, तो कोई सा वीडियो मिस ना करें और शेयर करना ना भूलें आप सभी। दोस्तों मित्रों को शेयर कर दीजिए आप सभी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।